टू अवर न्यू वीडियो। आज हम जो बीएसएम के बाकी के टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम जो सबसे ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी लास्ट में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंडस्ट्री में जो एजर्डियस केस होते हैं उनके टाइप पूछे जा सकते हैं। जो सिंपल केसेस होते हैं उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आएगा। एस्पेक्शियस गैसेस है उसमें कार्बन मोनोक्साइड, साइनाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोराइड इंक्लूड होगा। जबकि एनेस्थेटिक गैसेस में क्लोरोफॉर्म, ईथर और ट्राइको इथिलीन इन्वॉल्व होगा। ये आपको याद रखना है। और बाद में एक क्वेश्चन था कि क्रॉस ओवर स्टडी कब सूटेबल नहीं है, तो उसके जो आपको याद रखने हैं वो है इफ द ड्रग ऑफ इंटरेस्ट क्योर द डिसीज, इफ द ड्रग इज इफेक्टिव ओनली ड्यूरिंग सर्टेन स्टेज ऑफ डिसीज, इफ द ड्रग चेंजेस रेडिकली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर फॉर स्टडी। तो अगर ये चीजें ड्रग में इन्वॉल्व है तो वो क्रॉस ओवर स्टडी के लिए सूटेबल नहीं है। बाद में ऐसा पूछा गया था कि एचआईवी और एड्स के लिए 90-90 और 90 ये रेशियो क्या है, तो 90% पीपल लिविंग विथ एचआईवी नो देयर स्टेटस, 90% ऑफ पीपल डायग्नोस्ड विथ एचआईवी रिसीव एंटी रिट्रोवायरल थेरापी और 90% में वायरल सप्रेशन होना चाहिए। 90% को अपना एचआईवी स्टेटस पता होना चाहिए, 90% एआरटी पे होने चाहिए और 90% में वायरल सप्रेशन होना चाहिए। बाद में लेट पॉइजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, उनका आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो कोप्रो पोरफिरिन है वो यूरिन में प्रेजेंट होगा, उनकी नॉर्मल वैल्यू 150 माइक्रोग्राम है, अगर इससे ज्यादा है तो लेट पॉइजनिंग प्रेजेंट है। बाद में बात करें तो एमिनो लेव्यूलिनिक एसिड है वो मोर देन 5 mg/L आपको देखने के मिलेगी, मतलब लेड है वो ब्लड में और यूरिन में देखने को मिलेगा। बाद में उसके जो एंटीडोट है ट्रीटमेंट है इसके लिए जिलेटिन एजेंट मतलब डी पेनिसिलेमन यूज होता है, वही ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। अब आगे बढ़े तो को एफिशियंट ऑफ को रिलेशन टिपिकली डिनोट बाय आर रेंज बिटवीन -1 to +1, अगर +1 है तो मतलब वहां पे लीनियर रिलेशनशिप है, अगर 0 है तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और नेगेटिव है तो नेगेटिव मतलब उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बाद में बात करें तो कोरिलेशन डज नॉट नेसेसरी प्रूव कॉजेशन और कोरिलेशन इज डन बिटवीन टू वेरिएबल, दो चीजों के बीच में कोरिलेशन किया जाता है जैसे कि हाइट और वेट, टेम्परेचर एंड पल्स, एज एंड वाइटल कैपेसिटी इटीसी, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन और नॉट बिटवीन टू वेरिएबल, इसके लिए हम कोएफिशिएंट कोरिलेशन देखते हैं। बाद में पूछा गया था एंथ्रोकोसिस, एंथ्रोकोसिस में जो फर्स्ट स्टेज है उसमें सिंपल न्यूमोकोनोसिस होता है जबकि सेकंड फेज में प्रोग्रेसिव मेसिव फाइब्रोसिस होता है, तो ये दो स्टेज आपको याद रखने हैं। आगे का क्वेश्चन देखें तो मॉडल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन मॉडल में कौन कौन सी चीजें आती है, तो मेडिकल मॉडल, मोटिवेशनल मॉडल और सोशल इंटरवेंशन मॉडल। टाइप ऑफ लर्निंग पूछे गए थे तो तीन टाइप के लर्निंग होते हैं इफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोमीटर साइकोमोटर। अब देखिए जो ऑक्यूपेंस नल एंजाइड है उसमें ब्लेडर कैंसर कैसे होता है, ब्लेडर कैंसर है वो डाई स्टॉप से होता है, मतलब जो डाइंग इंडस्ट्री है जिसमें डाई को बनाया जाता है उसमें होता है। और ल्यूकेमिया कैसे होता है, ल्यूकेमिया लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ बेंजोइड से होता है, अगर बेंजाइल का ज्यादा एक्सपोजर होगा तो ल्यूकेमिया के चांस भी इंक्रीज हो जाएंगे। बाद में आगे बढ़े तो अगर आप जो पानी पीते हैं उसमें नाइट्राइट प्रेजेंट होगा तो एचबी मिथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और नालगोडा टेक्निक किसके लिए, तो फ्लोराइड रिमूवल के लिए यूज होती है। बाद में प्लेनम वेंटिलेशन का था कि प्लेनम वेंटिलेशन मतलब फ्रेश एयर बाय सेंट्रोफ्यूगल फैंस एंड क्रिएट अ पॉजिटिव प्रेशर एंड डिस्प्लेस द वेंटिलेट एयर, के मतलब जहां पे एसी होता है वहां पे एक प्लेनम वेंटिलेशन रखना पड़ता है कि जो जो अंदर है वो एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करेगा और एयर को डिस्प्लेस करता रहेगा। जबकि एग्जॉस्ट वेंटिलेशन क्या है, एयर इज एक्सक्रेटेड और एग्जॉस्ट टू आउटसाइड बाय फैन ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो फैन आप ओपन स्टार्ट करेंगे तो एयर है वो पूरी बाहर चली जाएगी और वो इलेक्ट्रिक सिटी से चलेगा। बाद में जो टाइफॉइड वैक्सीन थे उनका टाइप पूछा गया था और कब कब दी जाती है वो पूछा गया था, जो टाइफॉइड पॉलीसेकेराइड वैक्सीन है उसका 1 डोज इनफ है, वो IM या सबक्यूटेनस दिया जाता है, जबकि जो ओरल है TY21A उसके 3 डोज 1, 3 और 5 डे पे दिया जाता है, और दोनों वैक्सीन में इम्यूनिटी आफ्टर 7 डे आ जाती है, 7 दिनों के बाद इम्यूनिटी आ जाती है। कोलेरा के वैक्सीन के टाइप पूछे गए थे, ब्यूकरल है उसकी सेल्फ लाइफ है 3 ईयर है, जो 2 to 8 सेल्सियस पर आप रखेंगे तब आपको 3 ईयर की सेल्फ लाइफ मिलेगी। दूसरे टाइप है सिंकोल और
मोर्गवेक्स। बाद में बात करें लेट मटरनेट डेथ किसे कहा जाता है, अगर मदर की डेथ पोस्टमार्टम पीरियड में आफ्टर 42 डेज टू 1 ईयर होती है तो उसे लेट मटरनल डेथ कहा जाता है। बाद में एडप्टिंग इन्वायरमेंट टू जीन्स उसे क्या कहते हैं, इथेनिक्स कहते हैं, ठीक है। बाद में मोस्ट हीट सेंसिटिव टू लीस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन के बारे में बात करके कि कौन सी वैक्सीन है वो सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव है, तो बीसीजी आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन हम उसमें डाइल्यूट एड करते हैं, बाद में जो वैक्सीन होती है बीसीजी की वो मोस्ट हीट सेंसिटिव है। बाद में बात करें ओपीवी आईपीवी एमआर रोटा जेई डीपीटी बीसीजी टीटी पेंटा हेपेटाइटिस बी और पीसीवी, तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। बाद में जो मलेरिया एलिमिनेशन का प्रोग्राम है इंडिया में फ्रॉम 2016 टू 2030 उनके बारे में बात कर रहे थे, उनका जो गोल है वो क्या है, टू एलिमिनेट इंडिजीनियस केसेस थ्रू आउट द कंट्री बाय 2030। By 2026, incidence of malaria to be reduced less than 1 case per 1000 population in all state in their district। बाद में बात करें तो जो कोलेरा वैक्सीन है वो येलो फीवर की वैक्सीन के साथ इंटरफियर करती है, इसलिए एटलीस्ट 8 वीक का गैप तो इन दोनों के बीच में रखना चाहिए। बाद में जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, ठीक है, उससे GBS उसकी साइड इफेक्ट है। बाद में आगे बात करें कि थियामिन डेफिशिएंसी जो केरास्पोक और वर्निक्स एनसेफेलोपैथी है उसमें थियामिन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, वो क्रोनिक अल्कोहलिक में देखने को मिलती है, तो थियामिन का डेली अलाउंस भी पूछा गया था, मतलब डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। सेडेंटरी वर्क में वो 1.2, मॉडरेट में 1.4 और जो हैवी वर्कर है उसमें 1.7 है। बाद में इनऑर्गेनिक डस्ट और उससे होते डिसीज पूछे गए थे, कोल डस्ट से क्या होता है एंथ्रेकोसिस, सिलिका से सिलिकोसिस, एस्बेस्टोस से एस्बेस्टोसिस, ठीक है, और आयरन से साइडोरोसिस होता है। जबकि ऑर्गेनिक डस्ट जैसे कि केन फाइबर है तो बागासोसिस होगा, कॉटन डस्ट है तो बाइसोनिस होगा, और ग्रेन डस्ट और हाइन है तो उससे फार्मर्स लंग होगा, वो कॉमनली फार्मर्स में देखने को मिलेगा। बाद में जो पीएसएम के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रखना है। मैं कैलकुलेशन के जो कुछ टॉपिक है वो अलग से भी आपको कराऊंगा और एक अलग से लेक्चर लूंगा, अभी आपको उनके जो फॉर्मूलाज है वो याद रखने हैं। जो एट्रिब्यूटरी रिस्क है वो आपको कैसे याद रखना है, इंसिडेंट इन एक्सपोज माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज डिवाइडेड बाय इंसिडेंस इन एक्सपोज मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब इसका मतलब जो आंसर आएगा वो उतने परसेंट जो हम रिस्पेक्ट स्मोकिंग है तो वो लंग कार्सिनोमा में एट्रिब्यूट करते हैं। अब रिलेटिव रिस्क क्या है, वो है इंसिडेंस अमंग एक्सपोज अपन इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज, मतलब जो स्मोकर है वो इतने परसेंट ज्यादा रिस्क है लंग कार्सिनोमा के। और बाद में पॉपुलेशन एट्रिब्यूटरी रिस्क, मतलब जो रिस्क फैक्टर है वो पॉपुलेशन में कितने परसेंट एट्रिब्यूट करता है लंग कार्सिनोमा में, ये आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। उसमें इंसिडेंट इन टोटल माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज डिवाइडेड बाय इंसिडेंस इन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ओड्स रेशियो है उसमें आपको क्रॉस करना है एडी डिवाइडेड बाय बीसी, ये आपको मैं कैलकुलेट करके नेक्स्ट लेक्चर में या कभी और आपको पहले बता दूंगा, ठीक है। बाद में लाइफ एक्सपेक्टेशन इंडेक्स है उसमें क्या है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, स्टैंडर्ड मोर्टालिटी रेशियो है उसमें ऑब्जर्व डेट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड डेट मल्टीप्लाई बाय 100। सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी है ट्रू पॉजिटिव वैल्यू, मतलब जो आपने टेस्ट किया है उसमें जो पॉजिटिव आया है उसमें ट्रूली कितने लोगों को ये टेस्ट पॉजिटिव है उसे सेंसिटिविटी, और ट्रूली अगर टेस्ट नेगेटिव आया है तो कितने लोगों को टेस्ट नेगेटिव है उसे स्पेसिफिसिटी कहते हैं, तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव, और स्पेसिफिसिटी की बात करें ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। अब इन्फेंट मोर्टालिटी क्या है, नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट मींस लेस देन 1 ईयर ऑफ चाइल्ड अपन लाइव बर्थ मल्टीप्लाई बाय 1000, यहां पे आपको याद रखना है रेट है इसलिए यहां पे 1000 आएगा। डिपेंडेंसी रेशियो मतलब डिपेंडेंसी पॉपुलेशन कौन सी, 0 टू 14 ईयर और अबव 65 ईयर डिवाइडेड बाय 15 टू 64 ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। बाद में बात करें तो सेकेंडरी अटैक रेट क्या है, तो सेकेंडरी अटैक रेट मतलब नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन डेवलपिंग द डिसीज विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, अगर आपको डिसीज हुआ है तो आपके इंक्यूबेशन पीरियड के ड्यूरेशन में कितने और लोगों को आपसे वो डिसीज हुआ है उसे सेकेंडरी अटैक रेट कहेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज और 100, ठीक है। बाद में अगर आपको लाइव बर्थ पूछा जाएगा किसे गांव या विलेज, मतलब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लाइव बर्थ, तो उसका बर्थ रेट और पॉपुलेशन दिया गया होगा उसके ऊपर से आप लाइव बर्थ निकाल सकेंगे। बाद में उसमें से कितनी प्रेगनेंसी
आपको नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कितनी होगी, तो जो लाइव बर्थ है उसमें 10% करेक्शन आप डालेंगे तो हो जाएगा, और उससे हाफ है वो रजिस्टर होगी। ये सब मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को पूरा देखिए, और बाकी जो वीडियो आपके पहले के बाकी है, मतलब PSM, OBGY, सर्जरी और मेडिसिन के भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो वो हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।